नाला नगर नामक गांव में राजन नाम का एक आदमी हुआ करता था। राजन को पत्नी और बच्चे थे। राजन आए दिन जंगल जाकर बांस काट कर लाता था। उनसे घर के पास कुर्सी, मेज और तरह तरह के खिलौने बनाता था। लोग आकर उन्हें खरीद कर ले जाते थे। ऐसे बहुत मेहनत करने के बावजूद भी पैसे बस नहीं होने के कारण पति पत्नी दोनों बहुत मायूस होते थे। राजन के पड़ोस में गंगुली नाम का एक आदमी हुआ करता था। वो एक छिंदी चोर था। वो बस स्टैंड में रेलवे स्टेशन के पास पर्स, चैन चुराता था। उतना ही नहीं, शराब पीकर घर आकर पत्नी और बच्चों को मारता था। एक बार जब वो ऐसे उन्हें मारने लगा था, तभी राजन आकर उसे रोककर उसे खूब मारा। क्यों रे गंगू, तुम्हारे पत्नी और बच्चों को मारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम गलत कर रहे हो भाई। तुम्हें अच्छी बीवी और समझदार बच्चे हैं। तुम्हारे कामों के वजह से वो लोग कितना अपमान का सामना करते हैं जानते हो? मेरी बात मानो और ये सब बंद करके कोई अच्छा काम करके इज्जत से जियो। कहा तो गंगोली, क्या रे राजन, मुझे मारोगे? मेरी निजी मामला में दखलंदाज करोगे? तुम्हारी कितनी हिम्मत? कहकर उसे मारने हाथ उठाया तो राजन उसके हाथ को पकड़कर, देखो गंगोली, तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा हूँ, अगर ये बात पुलिस वालों से बताया तो वो तुम्हें घरेलू हिंसा के जुर्म पे अंदर करेंगे, सोच लो। कहकर गुस्से से वहां से आ गया। एक बार गंगू एक घर में चोरी करने लगा तो अचानक से पुलिस वाले आकर गंगुली को पकड़कर उसे जेल में डाले। गंगुली जेल में, लगता है उस राजन ने ही पुलिस वालों से मेरी जानकारी दी है, बाहर आने के बाद उसका काम तमाम करूंगा, सोचा। एक बार घर के सामने खेल रही राजन की बेटी दिल पे हाथ रखकर नीचे गिर गई। डॉक्टर आकर बच्ची की परीक्षा करके, राजन लगता है कि बच्ची के दिल में होल है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा, 5 लाख रुपए तैयार रखना, देरी किए तो इसके जान को खतरा होगा। कहते ही उतने पैसे कहां से लाऊं कहकर राजन सोचने लगा। राजन अगले दिन बांस को काटने के लिए जंगल गया। वहां वो एक पेड़ को काटने गया तो वो पेड़ अचानक से एक सोने के पेड़ के जैसे बदल गई। पेड़ तब, बेटा राजन, मैं इस बांस के पेड़ों की महारानी हूँ, तुम्हारे परेशानियों के बारे में मुझे पता है, इसलिए मेरे देने वाले सुनहरे बांस के वाहन बेचकर उनसे तुम्हारे बेटी का इलाज कराओ, मगर मैंने ऐसे किया है कहकर किसी से मत बताना, तुम्हें जब भी जरूरत पड़े तो मेरे पास आना। कहते ही उस पेड़ के नीचे थोड़े सुनहरे बांस के वाहन प्रकट हुए। राजन पेड़ को प्रणाम करके उन वाहनों को लेकर घर जाकर जो बीता वो सब पत्नी से बताकर इन वाहनों को बेचे तो हम जिंदगी भर खुशी से रह सकते हैं, मगर लालच अच्छी बात नहीं है। हमारे लिए बेटी ठीक हो गई तो बस है। इन्हें बेचने के बाद मिले पैसों से बेटी का ऑपरेशन करवा कर बाकी के पैसे गरीबों में बांटेंगे, कहा। ऐसे वो एक सेठ जी को उन वाहनों को बेचकर पैसे लेकर उन पैसों से बच्ची का ऑपरेशन करवा कर बाकी के पैसे गरीबों को और थोड़े पैसे गंगुली के पत्नी को दिए। गंगुली जेल से रिहा होकर घर आकर पत्नी के द्वारा जो बीता वो सब पता किया। वो अपने मन में, इस चोमू राजन को कैसे जीना है पता नहीं, किसी को भी उतना सारा सोना मिले तो गरीब लोगों में बांटेगा क्या, वो खुद को अंबानी सोच रहा है, वैसे वो चमत्कारी पेड़ कहां पर है पता लगाना होगा, सोचा। ऐसे वो राजन के घर के खिड़की के पास खड़े होकर अंदर राजन और उसकी पत्नी पेड़ के बारे में बात करते हुए सुनकर वो कहां पर है पता लगाया। वो अगले दिन जंगल जाकर उस पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ को नमस्कार करके, माँ चमत्कारी पेड़, मैं बहुत कठिनाइयों में हूँ, मेरी पत्नी को कैंसर हुआ है, उसका इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, कृपा करके मेरी मदद करो माँ, कहा। तब वो पेड़ एक सोने के पेड़ के जैसे बदलकर
बेटा गंगुली, तुम्हारी स्थिति सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं तुम्हें एक सोने का बंदर दूंगी, उसे बेचकर अपने पत्नी का इलाज करवाना। ऐसे कहते ही वहाँ पर एक सोने का बंदर प्रकट हुआ। गंगुली खुशी खुशी उसे अपने कंधे पे रखकर वहाँ से निकला। थोड़ी देर जाने के बाद वो सुनहरा बंदर एक साधारण बंदर के जैसे बदलकर उसके बाल नोचकर मर्जिया जैसे काटने लगा। वो बाप रे कहकर पुकारते हुए उस बंदर को दूर फेंककर वहाँ से भागा।